अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज एंड शाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास सिक्स में आपकी उर्दू की टीचर हिना बीवी हूँ और हमारा उर्दू कवायद का काम चल रहा है, यानी ग्रामर का काम चल रहा है हमारा। और उसमें हमने लास्ट क्लास में हमने कलमा और उसकी अकसाम पढ़ी थी और हमने वाहिद जमा पढ़ी थी। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह हमारा जो मौजू है वो है मज़मून, और मज़मून का नाम है सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सबक। अच्छा जी, सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है, ये दर हकीकत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, यानी सफाई निस्फ ईमान है। ईमान का आधा हिस्सा सफाई है और फिर आधे हिस्से में आ जाता है हमारे जो हम जो नेक अमाल करते हैं उनमें हमारी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये तमाम चीज़ें जो है वो आधे हिस्से में आ जाती हैं और बकिया आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सफाई है। और सिर्फ हमारे इस्लाम ने ही सफाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, किसी भी मज़हब ने सफाई पर इतना ज़ोर नहीं दिया जितना कि हमारे मज़हब ने दिया है। आप ये देखें कि हम पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो पांच वक्त की नमाज़ पढ़ने से पहले हम वज़ू करते हैं, ठीक है। और हम वज़ू में हम तकरीबन अपने जिस्म के अज़ा तमाम अज़ा हम साफ़ करते हैं, यानी हम पानी से धोते हैं और फिर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो क्योंकि अल्लाह ताला पाक है और अल्लाह ताला पाक लोगों को पसंद करता है। यही चीज़ हम आज के इस मज़मून में पढ़ेंगे कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी इस्लाम में सफाई को आधा ईमान करार दिया गया है। आधा ईमान का मतलब क्या है बेटा, कि आधा ईमान अगर एक दायरा बनाया जाए तो उस दायरे दायरे में से उस दायरे को अगर हाफ कर दें तो वो हाफ सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, सफाई का होगा। और उसका बकिया आधा हिस्सा जो होगा उसमें हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं, हम ज़कात भी देते हैं, सदक़ात भी देते हैं, हम ज़िक्र अस्कार भी करते हैं, हम अपने माँ बाप की खिदमत भी करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो हमारी आ जाएंगी बकिया निस्फ ईमान में, ठीक है। और क्योंकि अल्लाह ताला साफ़ सुथरे लोगों को पसंद करता है, फरिश्ते भी साफ और खुशबूदार जगह पर जाना पसंद करते हैं, यानी बदबूदार जगह पर जो हमारे फरिश्ते जो हर वक्त हमारे साथ होते हैं वो भी वहाँ से हट जाते हैं। इस्लाम में सफाई की ऐसी मिसाल मिलती है जो किसी और मज़हब में नहीं मिलती। मुसलमान पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है और वज़ू के ज़रिए जिस्म के तमाम आज़ा साफ़ सुथरे हो जाते हैं। यानी हम हर नमाज के लिए वज़ू करते हैं तो उसमें हमारे तमाम आज़ाद धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है, यानी इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन, सूरह बकरा की ये आयत है। और इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए, यानी सामने रखते हुए हमें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि एक सेहतमंद और तंदुरुस्त माशरा कायम और दायम कर सकें, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सफाई निस्फ ईमान है। यानी हमें हम अगर सफाई का ख्याल रखेंगे तो हम बीमार नहीं, हम सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और जब हम गंदगी में पड़े रहेंगे तो बीमारियां भी बढ़ती हैं उससे, और हम हर वक्त बीमार रहते हैं, तो इसलिए हमें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। ये पढ़ने के ही लिहाज से नहीं, ये नहीं कि आप ये मजमून पढ़ें और फिर उसके बाद आप उसे याद कर लें और दैट्स इट, बल्कि सफाई को सलीका बनाएं, आप हर वक्त साफ सुथरे रहा करें, ठीक है। आज का होमवर्क आप लोगों का ये है कि आपने मजमून लिखना है, सफाई निस्फ ईमान है, इसे आपने अपनी कॉपी में लिखना है और साथ साथ उसे याद भी करना है, ठीक है। लिखने के साथ साथ आप याद भी किया कीजिए, रोज़ का काम आप रोज़ अपना याद किया कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।